Hi viewers, I am Samila Khan and you are watching Language TV. Viewers, in a figure of speech lecture series, our today's topic is epigram. The word epigram also comes from Greek word epigramma, meaning inscription or to inscribe. Epigram is a brief, clever, surprising, interesting, memorable, and hysterical comment. फॉर एग्ज़ाम्पल आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट एक आर्ट जो है छुपा हुआ है इन आर्ट भाई अगर तुम आर्ट को छुपा दोगे तो तभी वो आर्ट बनेगा सब कुछ बयान कर देना आर्ट नहीं है तो किस तरह विटी और आप ये भी कह सकते हैं पेराडोक्सिकल स्टाइल में एक शॉर्ट स्टेटमेंट के जरिए हमें एक इंसाइटफुल स्टेटमेंट दी गई है एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें मज़ाकिया भी है ये एक्सपीरियंस इज द नेम एवरी वन गिवस टू देयर मिस्टेक्स भी हर बंदा अपनी गलतियों को एक्सपीरियंस का नाम देता है अब ये वेटी स्टेटमेंट है इफ़ यू डोंट एंड वार जी वेल्स क्या कहते हैं इफ़ यू डोंट एंड वार अगर हमने वार खत्म ना की वार विल एंड वार हमें ख़त्म कर देगी एलिनर रोज वेल्ट की एक और एग्जाम्पल देखें नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कॉन्सेंट आपको कोई भी नीचा नहीं दिखा सकता आपकी रजामंदी के बगैर तो ये थोड़ी सी फनी भी कह लें कि कोई चाहेगा कि मैं बाहिर तो ये ना कि क्या कोई चाहेगा कि मैं जो है ना अपने आप को नीचा दिखाऊं. लेकिन भाई हमारे ख्याल ही हैं जो हमें नीचा और ऊंचा दिखाते हैं ब्लेस्ड आर पीस मेकरस जैस क्राइस्ट व्यूअर्स आपको बता चुके हैं ये जो एपिग्राम है शॉर्ट इंडसाइटफुल स्टेटमेंट होती है जिसका मकसद होता है कि ऐसा पैगाम देना जो विटिकल भी हो विटी भी हो पैराडॉक्सिकल भी हो और फनी भी हो तो इसमें विट तकरीबन ये जो है ना शायरी में होता है अब ये देखें ये एक अच्छी एग्जांपल है विट की मैन काइंड मस्ट पुट एन एंड टू वार इंसान को चाहिए कि वार को ख़त्म कर दे अगर ऐसा ना हुआ आर वार विल पुट एंड एंड टू मैन कांड इंसानियत को ख़त्म कर देगी कौन कहें जॉन एफ कैनडी अमेरिकन फार्मर प्रेजिडेंट इट इज़ बैटर टू लाइट अ कैंडल दैन कस्ट द डार्कनेस बबा इसे बेहतर है कि आप तारीखी को अंधेरे को बुरा कहें एक छोटी सी कैंडल ही जला दें अपने हिस्से का दिया जला दें यह है दोस्तों एपिग्राम अल्लाह निगेबान